अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्नैक्स की रेसिपी। घर में कोई पार्टी हो, टी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, या आपने खुद से एंजॉय करना हो, घर वालों के लिए कुछ बनाना हो, तो ये इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले नया आने वालों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया, इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। हम इनको आपस में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये एक पीस मैंने ब्रेड का लिया, इसे भी मैं तोड़कर इसमें डाल लूँगी। ये एक पीस मैंने ब्रेड का डाला है, इसमें अब मैं इसे चॉप कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब मैं मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, मैं इस पर इनको सेट कर लूँगी। पहले हम इस तरह एक बॉल बनाएंगे। ये देखिए मैंने इस शेप में इसको तैयार कर लिया है। इस तरीके से मैं ये सारे स्टिक बना लूँगी। ये मेरे पास आधा किलो कीमा था और उससे मैंने ये स्टिक्स तैयार की हैं, ये 9 स्टिक्स तैयार हुई हैं। अब हम ये पेस्ट तैयार कर लेंगे जिसमें हमने इसे डिप करना है। 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर के ले रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। ना इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। कप में मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं इनको अच्छे से इसमें डिप कर सकूँ। सबसे पहले हम एक स्टिक लेंगे और इसे इसमें डबो लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, मैं इसमें इसको अच्छे से लगा लूँगी। अब मैं दोबारा इसमें इसको डिप करूँगी और दोबारा ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। इस तरीके से ये सारी स्टिक्स मैं तैयार कर लूँगी। आजकल स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और ये बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स में अगर आप तैयार करके उनको देते हैं तो ये बेहतरीन है, बच्चे बहुत शौक से इसे खाएंगे। आप इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें सारी स्टिक्स तैयार हैं। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं और बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इनको उठाकर ऊपर फ्रीज़र में रख दें। जब ये जम जाएँ तो इसे किसी जिप लॉक या बॉक्स वगैरह में डाल कर रख दें, तो 1 से 2 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई में तेल लिया और ये हल्का हल्का गर्म हो चुका है। मैंने इसे हाई फ्लेम पे नहीं तलना। हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। गैस की फ्लेम का ख्याल रखिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं तलना क्योंकि इसमें जो कीमा था वो कच्चा है। अब मैं इसके लिए सॉस तैयार करूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से भी ये बेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर मैं सॉस तैयार करके डालूंगी, उससे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाते हैं। सॉस तैयार करने के लिए हमें चाहिए, सॉस तैयार करने के लिए
टू टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, ये एक लहसुन का जो है मैंने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया, यह भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ये मैंने एक हरी मिर्च ली है, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये टू टेबल स्पून मैंने टोमेटो केचप के लिए टू टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी, सोया सॉस और टू टेबल स्पून सिरका। इन तीनों को मैं मिक्स कर लूंगी और इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं हसबे ज़रूरत नमक डालूंगी। नमक ज़्यादा मत लीजिएगा, पहले भी हम उसमें नमक डाल चुके हैं सारे मसाले में। और हाफ टी स्पून मैं इसमें ये पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी। हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हाफ टी स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर फ्लोर का लिया और उसे पानी में घोल लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी। हाफ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का डाल दिया और साथ ही ये मैंने 1 टेबल स्पून भरकर तिल लिए थे जिन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सॉस तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे किसी बाउल में निकाल लूँगी। अब इस तरीके से हम इन सारी स्टिक्स पे ये सॉस लगा लेंगे। अगर ये आप लंच बॉक्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते। अगर आप ये बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसमें स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इन्हें अलग अलग करके प्लेट में सेट कर लिया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूंगी और जब ये अच्छे से जम जाएगा तो मैं इसे किसी ज़िपलॉक में या किसी इस तरीके के बॉक्स में डालकर सेव कर लूंगी। और फिर जब कोई मेहमान आ जाए या आपका अपना मूड हो तो आप इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।